आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कितनी भी सरकारें आई आई चली गई, लेकिन कुछ भी इन्होंने हमें कभी भी कुम्हारों के लिए कुछ नहीं किया। कभी एक बार चाक मिल गया, उसके बाद कोई रोल नहीं। हम लोग जो है अपना जो जमा पूंजी है वही लगा के अपना माल बनाते हैं या फिर बिक्री करते हैं। दोस्तों, मिट्टी एक ऐसी चीज है जिसके हम सब बने हैं, जिसका मनुष्य बना है, मनुष्य भी मिट्टी का बना है। यही सारे तत्व होते हैं जो एक मनुष्य को बनाते हैं। साथ ही साथ जो अनाज हम खाते हैं वो कहाँ से आता है? मिट्टी से उगता है। तो हम सब जो है मिट्टी से ही बने हैं एक तरीके से। तो आज आपको एक खास गली में लेकर आई हूँ। जी हाँ, देहरादून की कुम्हार गली है इस गली का नाम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे मिट्टी के बर्तन हैं। और आज आपको बताऊंगी कि साल 2021 में मिट्टी के इन बर्तनों की क्या अहमियत रह गई है। जैसे हमारे पूर्वज जो हैं वो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया करते थे, पीतल के बर्तनों में खाना बनाया करते थे। और कुम्हार को एक तरीके से देखा जाता था कि कुम्हार में जो स्किल्स होती हैं उसकी बहुत अहमियत थी। पर कहीं ना कहीं अब ये सब चीज़ें गायब सी होने लगी हैं और अब सिर्फ कुम्हार गली तक ही सीमित है। तो आज उन कुम्हारों से आपकी मुलाकात कराएंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन मिट्टी के बर्तनों की क्या अहमियत रह गई है साल 2021 में, और कुम्हार को किस तरीके से लोग आजकल के ज़माने में देखते हैं। ऐसे कुम्हार हमारे साथ हैं जिनका नाम है लाल बहादुर प्रजापति जी। तो सर बताइए, जैसे आप कुम्हार हैं, अलग अलग तरीके के बर्तन वगैरह बेचते हैं मिट्टी के, तो इनमें से कौन से बर्तन हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं? बिकते तो सारे जितनी भी चीज़ें मिट्टी की सब बिकती है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो ना बिकती है। गमले भी हैं, कुल्हड़ भी हैं, दीपक भी हैं, चाय के कुल्हड़ भी हैं, करवे त्योहारों के जो जितने भी आइटम होते हैं सब बिकते हैं। नवरात्रों के जो जॉब होने वाले थे वो भी बिकते हैं। हाँ जी। तो आपकी दुकान से सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा कोई एक ऐसा आइटम जिसकी डिमांड हो? इस टाइम दिवे का टाइम है, दिवे बिकेंगे, दिवे ही बिकेंगे। होलसेल इस टाइम चल रहा है, बाद में फुटकर तो बाद में दुकानें लगेंगी बाजार में, जब फुटकर बिकेगा इस टाइम होलसेल रेट चल रहा है। जैसे सर कुम्हार जो है, आप कह रहे बारिश का मौसम है इस वक्त, बर्तन वगैरह नहीं बनाते, तो मिट्टी वगैरह कहाँ से लाते हैं? कैसे मिट्टी वगैरह हमारे को सरकार से कोई वो नहीं मिला हुआ, बेनिफिट नहीं मिला हुआ। कितनी भी सरकारें आई आई चली गई, लेकिन कुछ भी इन्होंने हमें कभी भी कुम्हारों के लिए कुछ नहीं किया। कभी एक बार चाक मिल गया, उसके बाद कोई वो नहीं है। हम शहर वालों के लिए कुछ नहीं, ग्रामीणों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर रखा, हमारे शहर वालों के लिए कुछ नहीं किया हुआ उन्होंने। कोई सी भी सरकार है, बोलते रहो यहाँ कर देंगे वो कर देंगे, मिट्टी के लिए परेशान करते हैं। मिट्टी नहीं आती है, मिट्टी वाला एक लाता है बेचारे, अपना कहीं से भी लेके आता है वो अपना डाल जाता है, और थोड़ी मिट्टी आती है, ज़्यादा नहीं लाता वो। तो सर जैसे अब जानते हैं कि हर जगह पूरी महंगाई बढ़ चुकी है, तेल हो या फिर राशन पानी सब्जी सब चीज़ महंगी हो गई है, तो कुम्हारों की जो ये मिट्टी है जो आप सामान बेचते हैं उसमें कितना हो? उसमें बेनिफिट नहीं हो रहा है उसमें। सब कुम्हार को ये सोच रहे हैं कि कुम्हार का काम ही छोड़ दिया जाए। इतना लेने वाले ग्राहक भी ये कहते हैं कि इतना महंगा क्यों लगा रखा, जबकि बिल्कुल 8-10 साल का रेट वही चलता आ रहा है। यही ग्राहक लेने वाला ये कहता है कि ये पूरा महंगा लगा, 10 पैसे भी किसी को बढ़ा के बता दो तो कहेंगे तुमने बहुत महंगा बना रखा। कहानी है ये और कुछ नहीं है। लेते सब हैं, ढूंढते सब है, पर सस्ता से सस्ता मिट्टी का चाहिए। अब मिट्टी का कहाँ से सस्ती मिट्टी, मिट्टी आती नहीं है सस्ती, ईंधन आता नहीं है सस्ता, कुछ जो पकाने वाला है, जो कारीगर बनाने वाला भी है वो भी सस्ता नहीं बनाता है, तो बेचेंगे कहाँ से उसे सस्ता है? सर जिस प्रकार से पिछले 2 साल तक लगभग कोरोना ही काल ही था, हम वो तो कोरोना काल के समय कैसे चले? नहीं, कोरोना काल के समय में भी बिक्री अच्छी थी, सेल अच्छी थी, बस उसमें सिर्फ सामान नहीं मिल रहा था, जो दिक्कत हो रही थी हमें सामान नहीं आ रहा था उसमें, बाकी दिक्कत कुछ नहीं थी। माल जो मिट्टी बड़ी हुई थी उसका काम करा सब लोगों ने और बेचा भी खूब, खूब बिकता है, ऐसी बात नहीं, मिट्टी का सामान बहुत बिकता है, लेकिन सस्ते ही मांगते जो भी मांगते बहुत सस्ते। Thank you.
हमारे साथ हैं, कुमार गली में ही इनकी दुकान है। सर का नाम है रमेश कुमार। सर से जानते हैं कि सर अभी साल 2021 में कुमार की क्या दशा है, कितना लोग खरीदते हैं मिट्टी के बर्तन? माल तो बहुत खरीद रहे हैं, लेकिन यह वो पहले तो वो एल्युमिनियम वगैरह के उसमें खाते थे, अब वो अंडी की डिमांड बढ़ी है हमारी, खाने की अंडी और कढ़ाई और तावे की डिमांड ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो सर जैसे हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन में, पीतल के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज़ है वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छी है। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को वापस से याद आने लग गया है, इसलिए लोगों की डिमांड जैसे आप कह रहे हैं बढ़ गई है कढ़ाइयों वगैरह की। उसके अलावा इस दुकान में जैसे हम मूर्तियाँ वगैरह देख रहे हैं, दिए वगैरह देख रहे हैं, कटोरियाँ, ये कितनी बिकती हैं? मूर्तियाँ तो सीजन के हिसाब से बिकती हैं, और कटोरी वगैरह भी 12 महीना बिकती है, खीर वगैरह खाने के लिए। और कुल्हड़ की जगह अब गिलास इस्तेमाल हो रहा है, और क्या नाम है, छोटे गिलास हैं चाय के लिए, वो ज़्यादा मात्रा में बिक रहे हैं, और जो नॉर्मल कुल्हड़ हम बनाते थे उसकी डिमांड कम हो गई। अच्छा, कुल्हड़ की जगह अब गिलास में आ गए, लेकिन मिट्टी के गिलास में। और सर जैसे कोरोना काल था, पिछले 2 साल तक हम कह सकते हैं कि अभी तक कोरोना की में बहुत बुरा हाल हुआ लोगों का, सब कुछ बंद था, तो इसमें कुम्हार गली में कोई आता था लेने, क्योंकि सब बंद पड़ा था? ना कोई नहीं आता था लेने, हम लोगों ने अपना काम कर रखा था, माल बना रहे थे और लगा रहे थे। बिक्री किस तरीके से हुई, घर चला किस तरीके से आप लोगों? घर तो जो था जमा पूंजी वही खा पी रहे थे, और अपना माल बना रहे थे, स्टॉक करा हमने माल का, लेकिन वो जो हमारी बिक्री थी बहुत मंदी हुई, दो तीन साल से तो बिल्कुल ही बेकार जा रही है, जिससे कि हमारा ना तो ढंग से पोषण हो पा रहा है और ना ही कुछ बचत हो पा रही है। हम लोग जो है अपना जो जमा पूंजी है वही लगा के अपना माल बनाते हैं या फिर बिक्री करते हैं। तो सर जैसे आजकल भागदौड़ का ज़माना है, लोगों को सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, तो उसमें कुमार का काम है कि धीरे धीरे हर एक चीज़ को अच्छे से प्यार से मिट्टी को संजो के शेप दे के, है ना, आग की भट्टी में लगा के सुखा के, इतना लंबा प्रोसेस है आपका, बहुत प्यार लगता है हर चीज़ बनाने में, तो क्या लगता है लोग इसकी अहमियत अब समझ रहे हैं धीरे धीरे? नहीं समझ तो रहे हैं, उन्हें भी पता है कि इसमें बहुत मेहनत है, लेकिन उस तरीके से हम लोगों को जो है ना काम तो है हमारे पास, लेकिन हमें वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हम लोगों को मिट्टी महंगी मिल रही है, बुरादा महंगा मिल रहा है, लागत ज़्यादा बैठ रही है, इसलिए आगे की जनरेशन जो है इस काम को नहीं कर पाई है। और सर जैसे महंगाई की बात करें, महंगाई हर चीज़ महंगी हो चुकी है, मिट्टी के बर्तनों में हमने एक और दुकानदार से बात की, उन्होंने कहा कि ये हम महंगा नहीं बेच सकते, कस्टमर जो है कहता है मिट्टी की बनी है, हम ज़्यादा दाम नहीं देंगे इस पर। नहीं महंगा तो है, महंगा तो बिकता है, लेकिन यही है ना कि जो हमने माल बनाया है उसकी रेट नहीं मिल पाते, जैसे हम बाहर से माल लाए उसके तो रेट मिल जाते हैं, जो हमारा माल है वही 2 रुपये का है, अगर दीवा बिक रहा तो 2 ही मिलेंगे, 5 नहीं मिलेंगे, लड़के लोग देने को राजी नहीं है, या तो लोगों पे पैसा नहीं है, और या तो फिर क्या नाम है वो महंगा लेना नहीं चाहते मिट्टी के बर्तन, और चीज़ें ले लेंगे। मिट्टी से बने बर्तन या अन्य चीज़ें पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर होती हैं, लेकिन भौतिकता के दौर में प्लास्टिक से बने सामानों की मांग बढ़ने से मिट्टी के बने सामान की मांग अब घट चुकी है, लेकिन भौतिकता के दौर में प्लास्टिक से बने सामानों की मांग बढ़ने से मिट्टी के बने सामान की मांग घट गई है। यही कारण है कि कुम्हार जाति के लोग कारोबार से हाथ खींचने लगे हैं। वहीं कोरोना महामारी के कारण कुम्हारों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। हालांकि अब आने वाले त्योहारी सीजन और ख़ास तौर पर दिवाली पर कुम्हारों की नज़र है।